इंदौर में मंडल रेल प्रवक्ता ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक श्री विनीत गुप्ता, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक एस के मीना के निर्देशन पर वाणिज्य विभाग द्वारा मंडल के विभिन्न स्टेशनों एवं खंडों में सघन टिकट जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में इंदौर रेलवे स्टेशन से कुल 170 प्रकरण बने, जिसमें 110 बिना टिकट एवं 7 अनियमित रूप से यात्रा करते हुए पाए गए। रेल प्रवक्ता ने बताया कि इंदौर स्टेशन पर जांच अभियान के दौरान कुल 170 प्रकरण बने, जिनमें 110 बिना टिकट एवं 7 अनियमित रूप से यात्रा करते हुए पाए गए। इन प्रकरणों से कुल ₹62,830 का रेल राजस्व प्राप्त हुआ। इस टिकट जांच अभियान में 14 टिकट जांच कर्मचारी शामिल हुए। यात्रियों से अनुरोध है कि वो उचित टिकट के साथ ससम्मान यात्रा का आनंद लें। देखिएगा, जो रतलाम मंडल पर ये विशेष चेकिंग अभियान हमारा सरप्राइजली चलाया जाता है, जिससे कि लोगों को ये पता नहीं होता है कि आज चेकिंग हो रही है, और तो इस तरह से हमारा ये चेकिंग अभियान चलाया जाता है। तो कल हमारे मंडल वाणिज्य प्रबंधक आए थे अपनी टीम के साथ में, उन्होंने इंदौर स्टेशन पर चेकिंग किया और इसके तहत करीब 170 के आसपास केस दर्ज किए गए, जिसमें कि 110 विदाउट टिकट थे और जो 60 लोगों का कि वो जनरल क्लास के टिकट लेके स्लीपर में या इस तरह से अनियमित यात्रा कर रहे थे, तो उनके तहत ये कार्रवाई की गई। साथ में करीब ₹63,000 का राजस्व वसूल किया गया। तो आगे भी ऐसी कोई चेकिंग है? बिल्कुल, ये चेकिंग का मेन मकसद ये होता है कि जो भी रिजर्व डिब्बे में यात्री अपनी यात्रा कर रहे हैं, तो जनरल क्लास के लोग उसमें यात्रा करके उनको परेशान ना करें, और जो विदाउट टिकट जा रहे हैं तो वो टिकट लेकर यात्रा करें। तो या एक तो गलत हाथों से टिकट ना लें, दलालों से टिकट ना लें, और दूसरा अगर रिजर्व कंपार्टमेंट में आप यात्रा कर रहे हैं तो रिजर्व कंपार्टमेंट का जो टिकट है वही आप लेके चलें, जनरल टिकट लेके जनरल डब्बे में बैठ सकते हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें 24/7 के साथ।